ये देखो यार, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ से नहीं दिख रहे हैं लेकिन काफी सारे बंदर है, काफी सारे बंदर है, देखो काफी सारे बंदर है जो केला खाने के लिए आए। देखो बड़ा कि बाकी बिहारी वाले जो बंदर है ना वो सामान छीन के लेके जाते हैं, फोन टोपी ही सब छीन लेते हैं, पर यहाँ के थोड़े से डिसेंट है लेकिन फिर भी डर लग रहा है। भाई 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 हर जगह भाग रहे बंदर, तू मैं व्लॉग कैसे करूँगी। ये देखो बैठे हुए हैं, देखा देखा। ये छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करना तो मुझे बहुत पसंद है, पर यार क्या ही करूंगी मैं। सब ये वाला 1850, ये वाला 1450, इसका डिस्काउंट करके 1550 का पड़ेगा। ये 1450 का डिस्काउंट करके 1250। मेहनत की है मैंने, मुझे ऐसा फील हुआ मैंने गलती कर दी आपसे बार्गेन करके। आप रख लो, थैंक यू। ये निधि वन आ चुके हैं हम लोग, ये मार्केट है यहाँ का। बंद गाइड ने हमारा 22,000 रुपये तो लगा, यहाँ पे गाइड वो ही नहीं। चप्पल उतारते यार, कुछ तो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ये मानूं कि हाँ यहाँ पे रात को रास लीलाएं होती होंगी। कुछ तो एनर्जी है इस प्लेस पे, एनर्जी के साथ साथ इतने बंदर है ना यहाँ पे कि मेरा व्लॉग नहीं बन रहा, सच में बोल रही हूँ। इतनी भीड़ से निकलते हुए हम लोग अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये काम भी करना पड़ रहा है। अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। रोक ले तो यार। ओ, ओ। ये बुरी हालत हो गई है ना कपड़ों की। देखो ब्लॉगिंग कैसे 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 की जाती है, देखो। भाई 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 आज देखो, अगर ये व्लॉग पोस्ट हो गया तो समझ जाना मैं वन पीस में पहुंची थी इस्कॉन टेम्पल, और ना तो मुझे वो अरे अब थोड़ा सही लगा, थोड़ा सही लगा, अब रोड आ गया। इस्कॉन टेम्पल आ चुके अभी हम लोग, चलो अंदर अलाउड नहीं है अभी।
खिचड़ी है इस्कॉन टेम्पल की, यहाँ पे आके ये खाना तो बिल्कुल मत भूलना। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब पहले का व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम कि कौन कौन सी प्लेसेस पे गए थे। एक्चुअली हमने एक दिन में काफ़ी सारी प्लेसेस कर लिया था, इतनी वॉक कर ली थी ना हमने कि कुछ 32,000 स्टेप्स हो गए थे हमारे। और उसके अलावा भी हर प्लेस पे जाने के लिए हर एक किलोमीटर दो किलोमीटर के लिए एक रिक्शा लेनी पड़ती थी। अभी आज काफ़ी रेस्ट किए हम लोग, क्योंकि आज हमको एक ही प्लेस पे जाना है, बरसाना। तो आज वहाँ पे जाएंगे और वहाँ का व्लॉग बनाऊंगी मैं। ये निकले गोवर्धन के लिए, गोवर्धन तो छोड़ेगी ना, ये बरसाना तो छोड़ेगी, बरसाने के लिए निकले अभी। दो टिकट बरसाना बरसाना के जाते टाइम बीच रास्ते में अभी प्रसाद बट रहा है। जैसे हमने बीच में एंटर किया है वैसे यहाँ पे लोग चाय प्रसाद सब दिए जा रहे हैं। ये रहा, ये चाय नहीं पीने वाली, आज चाय पी रही है क्योंकि फ्री का बट रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे जबरदस्ती प्रसाद खिलाया जा रहा है। आप नहीं खाएंगे तो आपको जबरदस्ती हाथ में दे दिया जाएगा कि आपको खाना ही है। ले ले दो प्लेट ले ले। प्रसाद में छोले कुलचे मिल गए बस से उतरते ही। देखो भाई, अगर आपको प्रसाद खाने के लिए मिल रहा है ना तो प्लीज ऐसे खा के इसे कहीं भी छोड़ के मत चले जाओ, उसे प्रॉपर डस्टबिन में फेंक के जाओ यार। तो वृंदावन में आप या फिर मथुरा में आप चाहे जहाँ भी रहो, बरसाना जाओ चाहे जहाँ, आप कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको खाने के लिए कहीं सही बात है। और ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे आके फील किया, हमको सुबह से बहुत भूख लगी थी, हम सोचे थे उतर के खाएंगे कुछ, पर क्या पता था कि बस में भी और उतरने के बाद भी हमें खाने के लिए भी मिल जाता। यहाँ पे हाथ बाहर निकालने भी नहीं हो रहा हमें तो। पर अभी जा रहे हम लोग बरसाना में मंदिर, देखते हैं मंदिर में, अगर मंदिर के आसपास मुझे बंदर नहीं दिखे तो मैं शूट कर पाऊंगी, वरना फिर ट्राई करूंगी। लो पहुंच गए हम लोग, बहुत बहुत ठंड है यार यहाँ पे तो। हाँ तो बर्दाश्त भी हो जा रहा था थोड़ा सा, हाथ तो बाहर निकाल के व्लॉग तो कर ले रहे थे, यहाँ तो हाथ भाई बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे तो। आने के टाइम देखा था मैंने 9 डिग्री थी, वरना 5-6 डिग्री से बापरे 5-6 लोग। टूट जाएंगे ना अगर ये गिरेंगे तो आंटी, ऊपर से पटकेंगे तो। हाँ मतलब पटकेंगे नहीं बट गिर गए अगर जस्ट इनकेस, तो खग गए ना फिर तो। इसको धो के बराबर यूज कर सकते हैं। हाँ ये चाय के लिए आता है ना, वो भरुके जैसा आता है ना, वैसा है भरुके के साइज का, ग्लास जैसा होता है ना, सही भरुके जैसा। ये कितने का है? 20 रुपए का है, पकड़ने वाला ना। हाँ मजबूत तो है। चलो मैं रिटर्न आके फिर लेती हूँ, ठीक है। ये मार्केट में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेने का तो वैसे बहुत मन करता है पर क्या ही करेंगे, रख के फिर ये माइंड में थॉट आता है। ऐसे बैग्स तो लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं।
श्री कृष्ण। तो लगभग 225 सीढ़ियाँ चढ़ के हम फाइनली पहुँचने वाले हैं राधा जी के दर्शन के लिए। और मैं आपको बता दूं, बरसाना इस गांव का पुराना जो नाम था वो था वृष भानुपुर। और ये बरसाना गांव जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए काफ़ी फेमस है। और आज हमें फाइनली दर्शन मिल जाएंगे, राधा रानी ने हमें अपने गाँव में बुला लिया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ही हो सकता। ये मंदिर की भी डिफरेंट वाइब है यार। यहाँ से चढ़ के ये रहा मंदिर और ये है कुछ सामने का व्यू। तुम्हें कहाँ से तो नहीं हुआ? अच्छा, अब तो मैं वो भी कैमरे में देखते हुए जा रही थी। बोल रही थी उसको डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एक चीज़ मैं बताना शायद व्लॉग में शायद मैं भूल गई रहूँगी, अगर मैं भूल गई होंगी तो मैं ये वाला जो पार्ट है जो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये मैं पहले डाल दूंगी वीडियो में एडिटिंग के टाइम पे। बरसाना जो प्लेस है वो दो ही चीज़ों के लिए फेमस है, एक राधा जी की जन्मभूमि और दूसरी लठमार होली। सुनी है सबने लठमार होली? आपने देखी होगी, जॉली LLB 2 में थी ना, जॉली LLB 2 में थी। टॉयलेट में भी था? नहीं, तो जॉली LLB 2 में नहीं, टॉयलेट मूवी में था लठमार होली, आप लोगों ने उसमें देखी होगी। तो वो लठमार होली वो बरसाना की है, वो बरसाना में बहुत फेमस है, इन दो चीज़ों के लिए बरसाना बहुत फेमस है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाली हूँ कृष्ण जी के गांव में, जिसका नाम है नंदगांव, जो कि बरसाना गांव से कुछ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तब तक अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को प्यार देना मत भूलना।